नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आपके लिए अगेन टॉपिक फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉचेस एंड वायर्स, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्लासिफिकेशन जरूर लिख के आइएगा क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोज लिखे हैं नॉचेस एंड वायर्स के। तो इसी के साथ मैं आया हूं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट कर लो हमारा क्लासिफिकेशन नॉचेस एंड वायर्स। देखिए, मैं आपको ओरिजिनली एक्सपेरिमेंटल वे में भी बता चुका हूं कि नॉचेस क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल वे में नॉचेस के बारे में बात करेंगे। नॉच एक मेटालिक प्लेट होती है, ठीक है। देखिए, हम डिफरेंस भी देख लेते हैं नॉच एंड वायर। देखिए, नॉच जो होती है, वैसे नॉच और वायर दोनों का काम क्या होता है, फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करना एक चैनल का, एक नहर का, ठीक है। ओके, अब जो नॉच होती है, ठीक है, सपोज अगर हम बात करते हैं हमारी वी नॉच के बारे में, कौन सी, देखिए तीन चार टाइप की नॉच होती है। ये वी नॉच है और यही आपको ऐसा ही शेप वायर का भी दिखेगा, ठीक है। मगर ये किसकी बनी हुई है, ये हो गई हमारी नॉच, ठीक है। आप साफ साफ देख रहे हैं नॉच, ये हो गई हमारी वायर, ठीक है। ओके, अब ये जो नॉच होती है वायर के कंपैरिजन में, ये भी लगभग कुछ ऐसा ही होता है अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ओके, अब आप साफ साफ देखेंगे ये नॉच है, ये बनी होती है मेटालिक प्लेट से, ठीक होती है, ये बनती है किससे, मेटालिक प्लेट, ठीक है। ओके, अगर आप ये देखेंगे तो ये एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा आपकी जो नहर है या चैनल है, सपोज ये क्या बोलते हैं, ऊपर से नहर आ रही है, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा ऐसे सीमेंट का स्ट्रक्चर बना देंगे और बीच में वी शेप दे देंगे। आई होप आपको समझा होगा ऐसा, ठीक है। मगर अगर ऊपर से सपोज चैनल या नहर आ रही है, अगर मेरे को नॉच बैठानी है तो ठीक है, इतना लगभग सीमेंट स्ट्रक्चर ही रहेगा लगभग आपका पूरा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं। ओके, तो अब बारी आती है हमारी इसकी, ठीक है। इतना जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये जो बीच वाला हिस्सा, मैं काम करता हूं दूसरे कलर से आपको बताता हूं तो पता चलेगा, ये जो इतना हिस्सा है ये सिर्फ मेटल का लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब क्यों यूज किया जा रहा है, ताकि फ्लो रेट मेजर किया जा सके जो पीछे से आ रहा है चैनल का, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारा कौन सा, सीमेंटेड स्ट्रक्चर, ये है हमारा सीमेंट स्ट्रक्चर और ये हमारा नॉच, ये मेटल की बनी होती है, ठीक है। अब आप देखिए, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर मैं स्पेशली नॉच की बात करूं तो फ्लूइड जब भी आता है तो ये लगभग, सपोज ये है आपकी पानी की हाइट, क्या है ये आपकी पानी की हाइट, ये दिस इज द हाइट ऑफ वाटर। तो जितने, हाँ इसको भी मैं एक दूसरे कलर से बताऊंगा, देखिए अब पानी कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं नॉच की जो अपर हाइट है वो ये है, कौन सी है, ये अपर हाइट है। तो अपर हाइट से हमेशा पानी की हाइट नीचे ही होगी, देखिए पानी की हाइट कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, मगर नॉच की अपर हाइट देखें तो ये यहां, यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि ये पूरी नॉच की अपर हाइट है। तो हमें हमेशा याद रखिएगा पानी की हाइट हमेशा नीचे ही रहती है, ठीक है। ओके, दूसरी बात, ओके अब हम कुछ वर्डिंग्स हम यूज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉचेस एंड वायर्स के ऊपर। अब मैं काफी बुकों में क्रेस्ट और सिल के बारे में बताया हुआ, क्या बताया हुआ, क्रेस्ट और सिल के बारे में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम अभी तक हम फ्रंट व्यू देख रहे थे, ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। फ्रंट व्यू मतलब मैं ऐसे बताने की बात कर रहा था, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा क्रेस्ट और सिल क्या होता है। क्रेस्ट यानी कि आपका सिल, उसी को बोलते हैं। अब हम देखेंगे नेप क्या होता है, नेप, ठीक है। ये देखिए, अभी तक आप ऐसा देख रहे थे, ठीक है, ये है हमारा फ्रंट व्यू और ये मैंने रख दिया क्या, हमारा वायर रख दिया बीच में, क्या रख दिया, वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये है हमारी नहर, ठीक है, जो आप साफ साफ देख रहे हैं। अब इसमें उठाकर मैं वायर रख देता हूं और फ्लूइड जो आएगा वो इसके ऊपर से बहेगा, ऊपर से बहेगा, ठीक है। तो अब मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूं, साइड व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। ओके, उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, अब फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है और ये जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अब आप देखिएगा ये जो एज होती है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो जिसके ऊपर से ये जो एज होती है, ये बॉटम की एज होती है, जिसके ऊपर से आपका फ्लूइड गुजर जाता है, नीचे ऊपर से निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रेस्ट। और जो पानी की शीट बाहर निकलती है ये, इसको बोलते हैं नेप, क्या बोलते हैं, नेप, या फिर इसको वेन भी बोलते हैं,
आई होप आपको समझा होगा भैया। द शीट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग ओवर द नॉच, इसको बोलते हैं नेप, यानी कि जो भी शीट ऑफ वाटर, ये जो शीट ऑफ वाटर निकल रही है ठीक है, उसको बोलते हैं नेप, और जिसके ऊपर से वो गुजरती है दैट इज योर क्रेस्ट। अगर मैं साफ साफ यहां पर दिखाऊं ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं वायर सपोज ठीक है, या फिर नॉच है ये, तो इसके ऊपर से फ्लूइड जब गुजरेगा तो ये जो लंबाई होती है यहां से लेकर यहां तक, ये वाली जो लंबाई है इसी को बोलते हैं जिसके ऊपर से फ्लूइड गुजर जाता है, ये होता है हमारा क्रेस्ट। और जो शीट ऑफ वाटर आपकी बाहर निकल के आएगी दैट इज योर नेप। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा, तो ये दो चार पॉइंट थे जो मैं आपको बता देना चाहता था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। अगर हम नॉचेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो नॉचेस क्लासिफिकेशन, तो इसमें दो टाइप होते हैं नॉचेस क्लासिफिकेशन। तो पहला जो टाइप है विल सी ओके अकॉर्डिंग टू द शेप्स, अकॉर्डिंग इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ ओपनिंग, कि उनकी ओपनिंग की शेप्स कैसी है, अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ ओपनिंग। लेट मी चेंज द दिस वन, अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ ओपनिंग, या दिस इज वर्किंग वेल ठीक है। तो अब हम इसमें पहला देखेंगे हमारा कौन सा, रेक्टेंगुलर नॉच। रेक्टेंगुलर नॉच कुछ इस तरह का दिखेगा आपको ठीक है ओके। अब पानी की जो हाइट है, मैं दूसरा कलर लेता हूं, पानी की हाइट हमेशा ऐसी रहेगी ठीक है, ये होगी हमारी पानी की हाइट, और ये तो आप साफ साफ देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं ये जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई दिस इज योर क्रेस्ट जिसके ऊपर से पानी जा रहा है, क्लियर ओके। एंड दिस वन ये है हमारी पानी की हाइट, दिस इज योर एच। तो ये हो गया हमारा कौन सा, दिस इज फर्स्ट वन इज योर रेक्टेंगुलर नॉच, कौन सा रेक्टेंगुलर नॉच ओके। अब हम आते हैं हमारे किसके ऊपर, रेक्टेंगुलर नॉच हो गया, अभी ट्रायंगुलर नॉच के ऊपर आते हैं। ट्रायंगुलर नॉच कुछ ऐसा दिखेगा ओके। तो ये है हमारी पानी की हाइट एच, और ये कुछ एंगल पे रहेगा, थीटा बना रहा होगा ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर पानी की बात करें तो ये जो मैं बता रहा हूं इतना फ्लूइड की ये हाइट होगी, तो फिलहाल मैं ये एच मिटा दूंगा, एक्चुअली ये जो हाइट होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए बस ठीक है। तो दिस इज योर ट्रायंगुलर नॉच। तो ये अलग अलग शेप्स की वजह से ये है, मतलब किस वजह से इसको डिवाइड किया गया, अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ ओपनिंग, इनकी ओपनिंग में जिस हिसाब से शेप है उसी हिसाब से बताया गया है ठीक है, ट्रायंगुलर नॉच ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, अब हम आएंगे हमारे ट्रेपेजॉइडल नॉच के लिए, ट्रेपेजॉइडल नॉच ठीक है। सो दिस इज अवर ट्रेपेजॉइडल नॉच। तो इसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ओके, तीन पार्ट, तीन पार्ट में वैसे ही अगर आप देखेंगे तो डिवाइड हो जाता है। देखिए ये है कुछ इस तरह का, ज्यादातर जो नहरें होती हैं वो इसी शेप में रहती हैं, यानी कि जो चैनल होती है ठीक है। तो ये ट्रेपेजॉइडल नॉच को हम फिट कर देते हैं, ये मेटल प्लेट का होता है, तो आप देखेंगे इसमें तीन पोर्शन बन जाते हैं, एक ये आधा ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, और ये तीसरा ट्राइंगल, तीसरा रेक्टेंगल ठीक है। इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ। तो मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्रेपेजॉइडल नॉच तीन पार्ट में बढ़ जाती है, अगर आप देखेंगे ABC जो ट्राइंगल है, BCDF जो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है, FED जो आपका अगेन ट्राइंगुलर पोर्शन है ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। और फर्दर अगर हम इस दोनों को कंबाइन करेंगे, सेक्शन वन पोर्शन वन और पोर्शन टू को कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा इसे, ऐसा देखिए, ऐसा दिख रहा है, आधा ट्राइंगल इसको कंबाइन कर दिया, आधा ट्राइंगल ये कंबाइन कर दिया ठीक है ओके। और बीच वाला क्या है, पोर्शन थ्री वो रेक्टेंगुलर है। तो आप देख रहे हैं कि जो पोर्शन वन और टू है कंबाइन होके वो वी नॉच में आ गया, और ये है हमारा बीच का ट्राइंगुलर, ये था हमारा वन, ये था टू, और ये है हमारा थ्री। तो ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, ताकि फ्लो रेट इंक्रीज हो जाए। अगर आप कंपेयर करेंगे ना इसको रेक्टेंगुलर नॉच से या फिर इससे, तो इसमें फ्लो रेट ज्यादा रहता है। तो ये हमारा कौन सा था, ट्रेपेजॉइडल नॉच, ट्रेपेजॉइडल नॉच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है। तो दैट वॉज अवर थर्ड पार्ट, फिलहाल मैं ये मिटा देता हूं। तो अब हम आते हैं हमारे स्टेप्ड नॉच में। स्टेप्ड नॉच मतलब सीढ़ी नुमा नॉच, आपने देखा होगा आई थिंक ये फोर्थ। अभी हम अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ द ओपनिंग कर रहे हैं ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा और बनाता हूं अच्छा ठीक है। तो ये कुछ ऐसा देखिएगा आपको, तो ये होता है हमारा दिस इज अवर हाइट ठीक है, दिस इज एच, ये है हमारी लंबाई एल वन, दिस इज L2 एंड दिस इज योर L3। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये क्यों यूज किया जाता है, फ्लोरेट मेजर करने के लिए चैनल का या फिर नहर का। तो ये था हमारा शेप्स ऑफ ओपनिंग की वजह से हमने जो डिवाइड किया था नॉचेस। अब एक और टाइप के भी नॉचेस होते हैं ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, ये हो गया हमारा ठीक है। तो ये है, पहले एक बार लिख ले, तो अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ ओपनिंग, शेप्स ऑफ ओपनिंग ओके। अब मैं बात करूंगा
हमारे सेकेंड की नॉचेस को और इसमें डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द दिस वन इफेक्ट ऑफ साइड्स ऑन नेप. ठीक है, अब देखिए इसमें दो पार्ट आते हैं. ठीक है, इसमें ए पार्ट आता है, दैट इज योर फर्स्ट इज योर नॉच विद एंड कॉन्ट्रैक्शन. नॉच विद, इसे देखिएगा ध्यान से, नॉच विद एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, इट्स क्वाइट इजी. ठीक है, दूसरा नॉच विदाउट ऑन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसा ही वायर में भी है, यही टाइप वायर में भी है. ठीक है, नॉच विद विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, अब साफ साफ देखिएगा, देखिए इसमें साफ साफ बता रहा है, अगर आप इसे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ साइड्स ऑन द नेप, जो भी नेप बाहर निकलती है, नेप क्या था आपका, पानी की शीट जो बाहर निकलती है उस पर साइड का इफेक्ट क्या पड़ता है. ठीक है, तो अब आप देखेंगे, देखिए मैं यहां पे बनाता हूं. ठीक है, नॉच विद एंड कॉन्ट्रैक्शन, देखिए ये मैंने नॉच बना दी. ठीक है, ओके, तो फिलहाल ये कुछ ऐसे टाइप की दिखेगी. ओके, तो यहां पर मैं एक काम करूंगा, ये मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं. आप देख रहे हैं साफ साफ, ये जो लंबाई है दिस इज एल, एंड जो पूरी लंबाई है दिस इज बी. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एंड को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पर मैं साफ साफ लिख सकता हूं दैट एल इज लेस देन बी. तो मैंने क्या किया, नॉच, ऐसी नॉच जिसमें मैंने एंड को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो जो जिस एंड को मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, देखिए एल जो लंबाई है उसी में फ्लूइड है, तो मैं काम करता हूं यहां पर मैं फ्लूइड बना देता हूं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो जितनी लंबाई में आपका फ्लूइड है, ठीक है, वैसे तो अगर आप देखेंगे इसकी विड्थ, पूरी विड्थ है बी, मगर पूरी विड्थ में पानी नहीं है, विड्थ कितनी विड्थ में पानी है, सिर्फ एल, तो मैं साफ साफ लिखा है दैट एल इज लेस देन बी. ठीक है, ओके, अब इसके जो एंड है मैं दूसरे कलर से बताऊंगा आपको कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहां पर एक और दीवार है. ठीक है, तो आपको साफ साफ आई थिंक समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो लंबाई है, जितनी लंबाई एल है, यानी एल जो लंबाई है उसी में पानी है, वैसे तो बी तक, बी की लंबाई तक पानी होना चाहिए. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो लंबाई है एल, उसमें पानी उतना ही पानी है, वैसे तो पानी अप टू बी लेंथ तक होना चाहिए, तो हमने क्या किया है, हमारे एंड को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है. ठीक है, वही चीज अगर हम देखेंगे, अगर विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि जितनी लंबाई आपके उस चैनल की है उतने में ही पानी है, तो पानी के लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं. तो ये देखिए, तो यहां पर ये पानी की जो लंबाई है वो काफी ज्यादा है, तो हम लास्ट में यही लिखेंगे दैट इज योर, दैट एल जितना है उतना ही बी है, तो दिस इज द नॉच विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर हमने कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है साइड से, जितनी लंबाई आपकी एल की है, यानी कि जो जितनी विड्थ है आपकी पानी की, ठीक है, उतनी आपकी पूरी साइड की भी विड्थ है. तो आई होप आपको समझा होगा, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये टाइप हमारे नॉचेस में आते हैं. अब हम देखेंगे हमारे वायर्स का, तो फिलहाल मैं मिटा देता हूं पूरा का पूरा. ओके, अब देखिए ये जो मैंने अभी आपके सामने टाइप लास्ट लिया था, ये ही वायर्स में भी है. ठीक है, ओके, सो मैं यहां पर मिटा देता हूं नॉचेस, अब हम आएंगे वायर्स पे. ठीक है, तो दिस इज योर वायर्स क्लासिफिकेशन. तो वायर क्या होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, ये एक सिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है. सपोज ऊपर से आपकी नहर आ रही है, तो इसका जो फैलाव रहता है वो यहां से लेके यहां तक रहता है, अक्रॉस द चैनल ये पूरी की पूरी फैल जाती है एक दीवार के जैसे, ये एक टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर काम करती है. ठीक है, जिसके ऊपर से फ्लूइड गुजर जाता है. ठीक है, इसके ऊपर से फ्लूइड गुजरता है और ये पूरा का पूरा सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी तो वायर्स क्लासिफिकेशन में भी तीन टाइप है अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ ओपनिंग. जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था नॉचेस के टाइम पे कि अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ ओपनिंग, तो जो भी स्ट्रक्चर वहां पर बनाए थे वही इसके लिए भी एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ ओपनिंग. जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में सबका एक बार रिपीट कर देता हूं, जैसे हो गया एक बार ट्राइंगुलर नॉच हो गया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, जैसे ट्राइंगुलर नॉच, मैं रेक्टेंगुलर नॉच बनाता हूं तो ये कुछ ऐसी दिखेगी. थर्ड इज योर ट्रेपेजॉइडल नॉच, जिसको ट्रेपेजॉइडल वायर्स के बारे में बात कर रहा हूं. ये है हमारी कौन सी, ट्राइंगुलर वायर, दिस इज रेक्टेंगुलर वायर, दिस इज ट्रेपेजॉइडल वायर, जिसको सिपोलिटी वायर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सिपोलिटी वायर, सिपोलिटी वायर, लेट मी चेक द स्पेलिंग, सिपोलिटी वायर, एक टी नहीं है, सो दिस इज अ सेपलेटी वायर. ठीक है, तो ऑल दीज आर वायर्स, दिस इज अ रेक्टेंगुलर वायर, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, रेक्टेंगुलर
वायर एंड दिस इज योर ट्राइंगुलर वायर, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप हो गया। अब हम आते हैं, डिपेंड करता है कि क्रेस्ट कैसी है, क्रेस्ट का शेप कैसा है, ठीक है। तो फिलहाल ये तो हो गए हमारे ये। अब मैं आता हूं हमारे, जैसे मैं कि बता चुका हूं, क्रेस्ट क्या होती है। क्रेस्ट एक लंबाई होती है जिसके ऊपर से, यानी कि एक बॉटम एज होती है आपकी वायर की, ठीक है, बोल सकते हैं, जिसके ऊपर से फ्लूड गुजरता है। या फिर बोल सकते हैं वायर के केस में जो टॉप एज होती है, जैसे कि मैं सपोज ये हमारी वायर, मान लीजिए ये ब्रॉड क्रिस्टल वायर है। वैसे कि मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूं, तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूं। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज नेक्स्ट, इज योर सेकेंड। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ क्रेस्ट, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ क्रेस्ट, ठीक है। तो अब हमारे कौन कौन से टाइप होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें आता है हमारा शार्प एज वायर, शार्प एज क्रिस्टेड वायर भी लिख सकते हैं आप, क्रिस्टेड वायर या शार्प क्रिस्टेड वायर, ठीक है, वो भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज योर ब्रॉड क्रिस्टेड वायर, ब्रॉड वायर, ओके, नैरो क्रिस्टेड वायर। अब साफ साफ बताई जा रहा है, यानी कि हर एक जो वर्ड है वो अपनी भाषा को बता रहा है कि मैं क्या हूं, नैरो क्रिस्टेड वायर, ओके। लास्ट है हमारा डी, दिस इज योर ऑजी क्रिस्टल वायर। अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो मैंने सबके लिए डिस्चार्ज निकाली हुई है, हर एक के लिए इक्वेशन निकाली हुई है, ऑजी क्रिस्टल वायर, ऑजी क्रिस्टल वायर। तो सबसे पहले हम शार्प एज क्रिस्टल वायर में देखते हैं, ओके। अब आपको मालूम है, सपोज ये हमारा चैनल है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर हमारा ये चैनल है, साफ साफ देख रहे हैं आप, ठीक है, ये हमारा अगर चैनल है, एक मिनट मैं इसको चैनल पूरी तरह बना ही लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो दिस इज, इफ दिस इज अवर चैनल, ठीक है, ध्यान से, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, या ओके। अगर सपोज ये हमारा चैनल है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर या फिर ट्रेपेजॉइडल है, ये डिपेंड करता है कि इसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, थीके? वो कैसी खुलती हैं। तो ये जो है, ये जो मैंने सीमेंट का एक ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, सो दिस इज योर, मान लीजिए ये वायर है, ओके। तो ये जो लंबाई होती है, दिस इज द लेंथ ऑफ योर क्रेस्ट, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं, अगर मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, साइड व्यू दिखाऊंगा तो सिर्फ ये ब्लैक ब्लैक दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखने वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो शार्प एज क्रिस्टल वायर में, अब मैं हर एक का आपको साइड व्यू दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। तो शार्प एज में क्या होता है कि ये जो हमारा सीमेंट का ब्लॉक है वो लगभग देखिए, ये एकदम कट पोर्शन रहता है, जैसे नाइफ का जो अपर पोर्शन रहता है, इसको बोलते हैं शार्प एज क्रेस्ट, यानी कि अगर हम हाथ लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं हमारा हाथ कट सकता है। सो दिस इज शार्प एज क्रेस्ट, आई होप आपको समझा होगा। तो इसके ऊपर से जो फ्लूइड जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, ये हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ये मैं इसको ये कर देता हूं, शेड कर देता हूं। तो ये जो ये अपर एज होती है जिसके ऊपर से फ्लूइड गुजर जाता है, मगर वो शार्प होना चाहिए नाइफ के जैसा, तो दैट इज योर शार्प एज क्रेस्ट, ठीक है। ब्रॉड क्रिस्टल वायर, ब्रॉड क्रिस्टल वायर, देखिए क्रेस्ट तो मैं आपको बता चुका हूं, ये जो लंबाई होती है आपके मैसनरी स्ट्रक्चर की, जो लंबाई होती है, तो ब्रॉड मीन्स काफी बड़ा है ये। और ये चैनल देखिए, अगर चैनल ऊपर से आ रहा है तो ये यहां से यहां तक पूरा फैला होता है, और एक कैसा बोल सकते हैं आप, इसी को ब्रॉड क्रिस्टल वायर समझ सकते हैं। ये जो ब्रॉड क्रिस्टल वायर डायरेक्ट रख दिया है, देखिए इसकी लंबाई भी आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं इसकी लंबाई भी काफी है, ठीक है, ओके। और साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये, तो साइड में इसकी थिकनेस भी काफी है। तो दिस इज अ ब्रॉड क्रिस्टल वायर, अगर मैं साइड में दिखाऊं तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा सीमेंट का ब्लॉक दिखेगा जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको मैं रख देता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। अब इसकी बारी है, फ्लूइड की बारी है, जो ऊपर से गुजरेगा वो कुछ ऐसा गुजरता है, ठीक है। अब इसके ऊपर से डायरेक्ट, इसके ऊपर जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो काफी बढ़ जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज दैट, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो दिस इज योर व्हाट, ब्रॉड क्रिस्टल वायर, दिस वन इज दिस, दिस वन इज दिस। और वैसा ही टाइप का नैरो क्रिस्टल वायर भी होता है, नैरो में सिर्फ इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है, ओके। अब कुछ ऐसा दिखेगा ये नैरो क्रिस्टल वायर में, कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ध्यान से, लगभग ये शार्प एज क्रिस्टल वायर जैसा दिखता है, ओके, ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। और इसके ऊपर जो फ्लूइड है, ठीक है, वो लगभग कुछ, हाँ यहां पर एक काम करता हूं मैं, फ्लूइड जो है मेरा यहां पे ऐसे बताता हूं, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है।
दूसरे कलर्स में यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एडीज फॉर्म होती है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज योर नैरो क्रिस्टल वायर, ठीक है। मैं ये ब्रॉड क्रिस्टल वायर मिटा चुका हूँ। ओके, दूसरी चीज ऑजी क्रिस्टल वायर। ऑजी क्रिस्टल वायर आप वहां देखेंगे जहां पर डैम में पानी स्टोर किया होगा, ठीक है। तो ऑजी क्रिस्टल वायर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां पर जो क्रेस्ट है वो पहले स्टार्टिंग में थोड़ी बढ़ती है और फिर पैराबोलिक फॉर्म लेती है, और जो फ्लूइड है वो भी ऊपर से ऐसे ही गुजरता है, पैराबोलिक फॉर्म में गुजरता है, ठीक है। और ज्यादातर देखिए इसके पीछे पूरा पानी स्टोर किया हुआ है, ठीक है। ये आप देखिए यहां पर ध्यान से, और ये डायरेक्ट इसी को फॉलो करता हुआ नीचे चले जाता है, तो ये पैराबोलिक फॉर्म में दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये है हमारा ऑजी क्रिस्टल वायर। तो ऑजी क्रिस्टल वायर आपको वहीं दिखेगा जहां पर पीछे पूरा पानी स्टोर किया हुआ, देखो पानी जहां पर स्टोर किया। काम करता हूं इसको मैं अलग कलर से बताता हूं आपको, पानी पूरा ये, ठीक है। ये है हमारा ऑजी क्रिस्टल। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में आपका जो क्रेस्ट है उसकी जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती है और फिर धीरे से नीचे की तरफ चली जाती है और पैराबोलिक फॉर्म में वो नीचे जाती है। तो आप देख रहे हैं फ्लूइड भी उस वैसा ही फॉलो करता है। आई होप आपको समझ में आ गया था, दिस इज अ ऑजी क्रिस्टल वायर, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द क्रेस्ट, ठीक है। तो ये चार पांच टाइप के हो गए। ओके, तो लास्ट में जो एक आता है मैं वो भी लिख देता हूं, दैट इज जो इससे पहले हमने नॉचेस में किया था, मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ योर अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ साइड्स ऑन द लीव्स। तो यहां पे बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ साइड्स ऑन द नेप्स, यानी कि आपका नेप और वेन, ठीक है। तो आपका इफेक्ट क्या होगा साइड्स का नेप के ऊपर, जैसा कि मैं इसमें बता चुका हूं, मैंने आपको बताया था कि मैंने साइड में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था वायर विद, तो इसमें भी दो टाइप आते हैं, मैं ये बता देता हूं। ओके, इसमें भी दो टाइप आते हैं, वायर विद एंड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मैंने नॉच विद एंड कॉन्ट्रैक्शन किया, वायर विद एंड कॉन्ट्रैक्शन, ओके, एंड वायर विद विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, वायर विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसा कि आपने देखा था, ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और यहां पर एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी कि जो लंबाई होती है वो पूरी की पूरी होती है, ठीक है, अक्रॉस द चैनल। और यहां पर अक्रॉस द चैनल जो फ्लूइड की लंबाई है, जितना फ्लूइड यूटिलाइज करता है वो लंबाई बहने के लिए यहां पर कम होती है, एज कंपेरिजन टू योर जितनी आपकी विड्थ है उस चैनल की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, में पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए शुक्रिया, शुभकामनाएं।